हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट किंगडम के कुछ क्वेश्चंस जो कि जिपमर एंड एम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्लांट ग्रुप डैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स इज, यानी कि ऐसे प्लांट ग्रुप जिसमें कि स्पोर एंड एम्ब्रियो पाया जाता है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडोफाइट्स फंस डिफर फ्रॉम मोसेस ब्रायोफाइट्स इन प्रोसेसिंग, यानी कि टाइडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से डिफरेंट होते हैं। तो उसका राइट आंसर है बी, क्योंकि उनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइडोफाइट्स डैप्टेरिस मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ, यानी कि टाइडोफाइट्स में मियोसिस कब होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, स्पोर फॉर्मेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन द मेल गैमेट ऑफ पाइनस आर, यानी कि पाइनस के मेल गैमेट में कौन कितनी प्रोथेलियल सेल पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है टू। इन साइकस पोलिनेशन इज बाय, यानी कि साइकस में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है विंड के द्वारा, यानी कि साइकस में विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास रिडक्शन डिविजन्स मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ, यानी कि यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास में मियोसिस किस समय पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉस स्टोमेटा अकर ऑन, यानी कि मॉस में स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज सी, कैप्सूल। मॉस में स्टोमेटा कैप्सूल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ एल्गी इज, यानी कि एल्गी की साइंस को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इज फाइकोलॉजी। इन डैप्थेरिस द एंथ्रोजॉइट्स आर, डैप्थेरिस के एंथ्रोजॉइट्स कैसे होते हैं। राइट आंसर इज सी, मल्टीफ्लेजलेट स्पाइरली कोलाइड। प्लांट हैविंग स्पोर्स जाइलम एंड फ्लोएम बट लैकिंग सीड्स आर, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है लेकिन सीड नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट होते हैं टाइडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसिया ब्रायोफाइट्स, तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, यानी कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स होता है। राइट आंसर इज गिडल सिप्ट। नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट इन द ओव्यूल ऑफ पाइनस साइकस इज, यानी कि पाइनस या फिर साइकस के ओव्यूल में कितने इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है वन, यानी कि इनमें वन इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी आर इम्पोर्टेंट वी शुड स्टडी देम बिकॉज, यानी कि एल्गी इम्पोर्टेंट है हम इनकी स्टडी क्यों करते हैं। तो राइट आंसर इज बी, दे मे बिकम इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूचर फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथेलस गैमेटोफाइट गिव राइज टू फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज, यानी कि फर्न प्लांट में प्रोथेलस से प्लांट का ओरिजिन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज। तो राइट आंसर इज एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट इज, यानी कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट के डायरेक्ट फॉर्मेशन को कहते हैं एपोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलियर गैप इन वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ फर्न इज,
Right answer is C. Parenchymatous zone. Next question. Resin and tarpentin are obtained from. यानी कि resin and tarpentin किस से मिलते हैं? तो right answer है pinus. Next question. Independent alternation of generation is present in. यानी कि independent alternation of generation किस में पाया जाता है? Right answer है टाइटोफाइट्स में. Next question is neck canal cells in diptheris ferns are. यानी कि diptheris में neck canal cell होती हैं. Right answer है A. One with two nuclei. यानी कि एक होती है जिसमें कि two nucleus पाए जाते हैं. In pinus gymnosperms the haploid structures are. यानी कि pinus या फिर gymnosperms में haploid structures कौन से होते हैं? तो इसका right answer है B. Megaspore, pollen grain and endosperm. ये सभी जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए फर्न स्पोरेंजियम द नंबर ऑफ स्पोर्स इज. यानी कि फर्न स्पोरेंजियम में कितने स्पोर्स होते हैं? तो राइट आंसर है 64. नंबर ऑफ फ्लेजिला प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स इज. यानी कि यूलोथ्रिक्स के गैमेट्स में कितने फ्लेजिला होते हैं? तो राइट आंसर है 2. यूलोथ्रिक्स के गैमेट में 2 फ्लेजिला होते हैं. इन साइकस द एंडोस्पर्म इज. साइकस का एंडोस्पर्म होता है. राइट आंसर है बी. गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर. प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ. यानी कि प्रोटोनिमा किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? रिसिया, मॉस, डायप्थेरिस या फिर स्पाइरोगायरा. तो राइट आंसर है मॉस, फुनेरिया के लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा पाया जाता है. ऑन जर्मिनेशन अ मॉस स्पोर प्रोड्यूसेस. राइट आंसर इज ए. प्रोटोनिमा. एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया इज. राइट आंसर इज लोअर पार्ट. द स्ट्रक्चर डेट रप्चर फॉर डेसिसेंस इन मॉस कैप्सूल इज एनुलस. द गैमेटोफाइट ऑफ फुनेरिया इज. फुनेरिया का गैमेटोफाइट होता है. राइट आंसर इज बी. मोनोसियस एंड ऑटोसियस. मॉस पेरिस्टॉम टेक पार्ट इन. राइट आंसर इज ए. स्पोर डिस्पर्सल. इन फंस फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व. यानी कि फंस के फर्टिलाइजेशन में इनमें से क्या इन्वॉल्व नहीं करता है? तो राइट आंसर है ए. पोलन ग्रेन, जो कि फंस के फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है. बाकी आर्चिगोनिया, फ्लेजिलेट एंथ्रोडोइड्स एंड वाटर, ये तीनों फंस के फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी हैं. जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव. जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर इज सी. वेसल्स, सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. ये क्वेश्चन इस बार नीट में भी पूछा गया था. जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इन. यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स से डिफरेंट हैं. तो इसका राइट आंसर है सी. नेक्ड ओव्यूल्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड ओव्यूल्स पाए जाते हैं. विच वन हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट. इनमें से सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी. मोसेस पोलिट्रिकम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ब्रायोफाइट्स फुनेरिया द स्पर्म्स आर. राइट आंसर इज बी. बाइफ्लेजिलेट एंड बेंट. ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज. यानी कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा गया है क्योंकि दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन प्रोसेसिंग. टाइडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से डिफरेंट होते हैं बिकॉज इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. फर्न राइजोम इज. यानी कि फर्न का राइजोम होता है स्टेम. इन सेलेजिनेला द मेगास्पोरोफिल इज
comparable to a structure in angiosperms. Carpal. Pinus is a gymnosperm because it, यानी कि pinus एक gymnosperm है क्योंकि lacks ovary but possesses exposed ovules. Two algae which produces agar agar is, यानी कि इनमें से कौन सी दो algae हैं जो कि agar agar प्रोड्यूस करती हैं. तो राइट आंसर है सी, Gracilaria एंड Galidium. A colorless parasitic रेड एल्गा is, यानी कि इनमें से कौन एक कलरलेस पैरासाइटिक रेड एल्गी है. तो राइट आंसर है बी, हार्वेला. द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ रोडोफाइसी इज, यानी कि रोडोफाइसी में स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है. तो उसका राइट आंसर है डी, फ्लोरिडियन स्टार्च. अ प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली, क्लेमाइडोमोनोस या फिर यूलोथ्रिक्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सेलेजिनेला, यानी कि इनमें से फ्यूनेरिया एंड सेलेजिनेला में क्या कॉमन नहीं है. तो राइट आंसर है रूट्स, क्योंकि इनकी दोनों की रूट डिफरेंट होती हैं. हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स अकर इन, यानी कि हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स पाई जाती हैं. तो राइट आंसर है सेलेजिनेला में. अ प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग टू, यानी कि एक प्लांट में सीड पाए जाते हैं लेकिन फ्लावर्स एंड फ्रूट नहीं पाए जाते हैं. तो इसका राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स पाए जाते हैं लेकिन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्गा विच कैन पॉसिबली यूज इन स्पेस फाइट, स्पेस एल्गा इज, यानी कि इनमें से कौन सी एल्गा का यूज स्पेस में किया जाता है. तो उसका राइट आंसर है बी, क्लोरेला. मॉस प्रोटोनिमा रिजेंबल्स इन स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गा. राइजोट्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, यानी कि फ्यूनेरिया के राइजोट्स होते हैं. तो इसका राइट आंसर है बी, कलरलेस मल्टी सेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस प्लांट इज, यानी कि मॉस प्लांट होता है. तो राइट आंसर इज ए, गैमेटोफाइट. विच वन हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल इन मॉस, पेरिस्टॉम टीथ. विच वन कंट्रोल्स डेसिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम इन डैप्थेरिस, राइट आंसर इज एनुलस. Presence of ciliated anthrozoids in Diapteris indicates aquatic ancestry. Reproduction in Spirogyra is mostly by, यानी कि Spirogyra में mostly reproduction किसके through होता है. तो right answer is conjugation. Giant alga seaweed belong to, यानी कि giant alga या फिर seaweed किससे belong करता है. तो right answer is B, Phaeophysi. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइजोफोर इज ए, तो राइजोफोर इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन स्टेम ब्रांच एंड रूट. स्पोरोकार्प इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, राइट आंसर इज बी, सम एक्वेटिक फॉर्म्स हैविंग सोराई. एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर सेक्स ऑर्गन ऑफ मॉसेस. वैस्कुलर बंडल आर अब्सेंट इन, यानी कि वैस्कुलर बंडल किसमें नहीं पाए जाते हैं. तो इसका राइट आंसर है टाइडोफाइट्स, जिसमें कि वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं. इन जिम्नोस्पर्म्स द ओव्यूल्स आर, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स होते हैं. राइट आंसर इज नेक्ट. फर्न पोथेलस इज, यानी कि फर्न का पोथेलस होता है गैमेटोफाइट.